थोड़ा पीछे रहो। सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं जहाँ खास तौर पर करोड़ों के टैक्स चोरी को लेकर ये एलिगेशन आपके पास लगाए, आप क्या कहते हैं? देखो मैं आप सबसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब फैमिली वाले ये चीज़ें हैं, सब प्रोसेस में सबके सामने ये गिवन ऑल द डिटेल्स टू एवरीवन। और मैं पर्सनली आप लोगों से बात करूँ उसके लिए, बट आई थिंक मैं जिस लिए नीचे आज आया हूँ दीज फॉर दीज पीपल जो चार पांच दिन से बाहर खड़े हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ये मुद्दा जरूरी है, बाकी तो वो लोग अपना काम करेंगे हम लोग अपना काम करेंगे। सर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये जो रेड्स हुई है उसको आप मानते हैं? क्योंकि कुछ जो एलिगेशंस है जैसे कि केजरीवाल जी का ये आरोप था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा है कि सिर्फ आपने केजरीवाल जी की जो सरकार है उनको सपोर्ट किया है, उनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दिल्ली के, इस वजह से आपको बीजेपी टारगेट कर रही है, इस वजह से रेड पड़ी है। मैं सबके लिए ब्रांड एम्बेसडर हूँ, आप मुझे राजस्थान में बुलाएंगे तो भी मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा, गुजरात बुलाएंगे तो भी बन जाऊंगा, पंजाब बुलाएंगे तो भी, मेरा कोई कलर नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स, मैं बहुत साल पहले से भी लगा हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, अभी भी लगा हूँ। हम सिर्फ दिल्ली में नहीं बच्चों को पढ़ाते, हम देश भर में बच्चों को पढ़ाते हैं। अब कहीं से भी बुलाएंगे, कोई भी सरकार मुझे बुलाएगी हेल्प करने के लिए बच्चों के, सो आई एम देयर फॉर देम और मैं आई मेक श्योर कि वहाँ पहुँचूँ। ट्वीट के जरिए आपने जो संदेश जो है इनकम टैक्स की आपकी तरफ लोग आए और कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर बने? नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, आई डोंट बिलीव और मुझे लगता भी नहीं मुझे इस चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, उससे बड़े मुद्दे आपने देखा ही है यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए, आई थिंक वो एड्रेस करना जरूरी है। ये तो ठीक है, ये तो समय है, चलता रहेगा, ये भी बीत जाएगा, दूसरा समय आएगा, बट आई थिंक दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। सर जो ट्वीट आपने किया है उस ट्वीट के जरिए आपने मतलब चैरिटी फाउंडेशन के 19 करोड़ की बात की, जो जुलाई से लेकर 2020 तक जो 19 करोड़ के जमा किए उसमें सिर्फ लोगों की फायदा के लिए 2 करोड़ थे, जो सबसे बड़ा सवाल आज ये हुआ है कि 17। मैं एक छोटा सा बताता हूँ, देखो मैं आई वाज नॉट सपोज्ड टू स्पीक, पर मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, हर फाउंडेशन के अंदर खासकर मेरी फाउंडेशन के अंदर मैक्सिमम जो फंड्स आते हैं मेरे खुद के जो मैं एंडोर्समेंट के फीसेस बोलता हूँ ब्रांड्स को देने के लिए वो रहते हैं, और दूसरी कोई भी फाउंडेशन को समय लगता है खर्च करने में, ओवरनाइट नहीं होता, और एज पर रूल्स ऑल्सो जो 1-2 साल जितने समय लगते हैं उतने हमारा भी प्रोसेस भी आप देखेंगे और कम हो जाएंगे, इसमें कल देखेंगे और कम हो जाएंगे। जब कोई बंदा मेहनत से 1 रुपया भी देता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सही जगह पर, वो उन्होंने कंधे पे हमारी जिम्मेदारी दी। एक अंधी लड़की 3,000 रुपये अपनी पेंशन मुझे महीने की अगर उसने दी है एक दफ़ा, तो 3,000 मेरे 3 करोड़ के बराबर है। आई टू मेक श्योर कि वो सही जाए। हर फाउंडेशन में टाइम के हिसाब से खर्च होता है, जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती हैं, ऐसा नहीं होता कि आ जाए कल खत्म हो गया। अभी उसमें सिर्फ 4 महीने हुए हैं, 1.5 साल 1.5 साल 2 साल लगते हैं खर्च होने में। मेरी इच्छा हॉस्पिटल बनाने की है कि सोनू सूद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम ऐसे ही चलता रहना चाहिए। दैट्स द आइडिया, दैट्स अ विजन आई हैव। ये नहीं है कि यहाँ पे 10 लोग आ गए, जितने मेरे पास ऐसे हॉस्पिटल होने चाहिए ये लोग आए पहुँच जाओ वहाँ पे, और आप देखेंगे जब नेक्स्ट टाइम मुझे गए वही हो रहा होगा। सो द आइडिया इज टू मेक इट बिगर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और वही मेरी कोशिश है, आई थिंक यू विल सपोर्ट मी इन दिस, और हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। नॉट इवन ए सिंगल पेनी 1 रुपया भी मेरे अकाउंट में नहीं आया, कोई ले भी नहीं सकता। अगर आप किसी और की हेल्प करते हैं तो आपके पास नहीं आ सकता, जितने प्लेटफॉर्म से रहते हैं वहाँ से सीधा गरीबों के पास ही जाता है। 1,500 से 2,000 प्लेटफॉर्म से ऐसे मिला इम्पैक्ट जीरो, हर जो हमारा रेज हुआ है फंड वो हिंदुस्तान भी नहीं आया, वो भी अमेरिका में। अगर हम किसी को मेल लिखते हैं कि भैया इसका ऑपरेशन कराओ तो वहाँ से डायरेक्टली जाता है हमारे अकाउंट में, हमारी फाउंडेशन के अकाउंट में, हमारे किसी प्रधान में, ना तो हम ले सकते हैं और ना कोई भी ले सकता है। सो इट्स ऑल All the documents have been given, और ऐसे ही चलता रहे। आप overall thank you so much यार, and I'll meet you all personally यार, God bless you यार, thank you so much, love you all, thank you। सर, हाँ। नो, lastly one quote, a lot of fans over here came and see the way they are still gifting you, and there were a lot of people those who said that they were not happy with the interrogation, what was happening, what do you want to say? मेरी जिंदगी की ये कमाई है, ये कमाया हमने, सो आई थिंक दिस इज प्राइस, हर चीज़ से बड़ा है। और आप लोग रखिए इसको, तो मैं यही कहूँगा कि आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू हेल्प पीपल, जिसकी कोशिश में लगा हूँ शुरुआत से। फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं हूँ ना हूँ, आज से 20 साल बाद हो या 40 साल बाद या 50 साल बाद, ये हेल्प ऐसी ही जारी रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड वी विल डू इट टुगेदर।
कोई फर्क नहीं पड़ा, आप देखिए मैंने आपको अभी जवाब दिया और हम लोग वी फॉलो द कोर्स ऑफ लॉ, आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड आई विल अबाइड बाय ऑल द लॉज, जो भी मुझसे मांगेंगे आई विल मेक श्योर कि मैं हर चीज़ उन्हें प्रोवाइड करूँ सो दैट एवरीवन इज हैप्पी। सोनू सूद मैंने भी आज आईटी की रेट के बाद पहली बार उसके बारे में मीडिया से बात करने के लिए सर सुनी जी रेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ पर हालांकि आप देख सकते हैं फिलहाल वो